नमस्कार, हमें अंकिता और रोवा लोगन के स्वागत बा लाइव सिटीज के भोजपुरी बुलेटिन में। तो चलिए शुरू कर जाओ दनादन खबरन के सिलसिला। पहला बार कन्हैया के पक्ष में बोलन तेजस्वी यादव, कहलन जे बीजेपी के खिलाफ बोलला ओकरा पर होकी मुकदमा। ऐसने हो रहल बा राजद की फील्ड वर्कर्स के संगे। बीजेपी के नित्यानंद कैली तेजस्वी यादव से सवाल, पूछलन कन्हैया के साथ मंच साझा करे के मतलब, भारत माँ के बर्बादी के नारा लगावल गुना है कि ना। पटना के सदाकत आश्रम में मकर संक्रांति पर भइल चूड़ा दही भोज, तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा संगे शामिल भइले कई बड़ नेता। बोलन तेजस्वी, यूपी में शिष्टाचार मुलाकात, हमनी के मकसद बीजेपी के हरावल। कांग्रेस के दही चूड़ा में शामिल भइला के बाद बोलन उपेंद्र कुशवाहा, कहलन खड़मास खत्म भइल अब होखी टिकट बंटवारा पर बात, यूपी में बीजेपी के ना खुली खाता। जदयू बलवलस राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, 20 जनवरी के पटना में 7 सर्कुलर रोड पर होगी बैठक। मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान महासचिव और कोषाध्यक्ष के साथ बड़ अधिकारी रही हैं मौजूद। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के बड़ बयान, कहले यूपी में वर्षों से दुश्मन रहल बाड़े सपा और बसपा, 36 साल की दुश्मनी सिर्फ सत्ता सुख खातिर बदल गई दोस्ती में। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पटना में कैले प्रेस मीट, यूपी में माया अखिलेश गठबंधन पर बोलन हमला, कहलन ई गठबंधन के ना होखी कौनो असर, नरेंद्र मोदी फिर बनिहन प्रधानमंत्री। दानापुर में नंदकिशोर यादव कैले NH-30 निर्माण कार्य की शिलान्यास, दानापुर से परेव तक 36 करोड़ की लागत से बनी सड़क, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव भी रहले मौजूद। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थानेदार पर भइल केस, फरार बाड़े मोतीपुर के थानेदार कुमार अमिताभ, कोर्ट में पेश कैल गईल जब्त शराब और नकद, रविवार के भइल रहे मोतीपुर थाना में रेड। सुपरस्टार पवन सिंह के साथ फिर दिखी हैं चांदनी सिंह, आ रहल बा दोनों के तीसरा फिल्म क्रैक फाइटर। फिल्म में दोनों एक्टर के साथ दिखी हैं यूट्यूब क्यू नामृपाली दुबे भी। तो यही रहे आज दिन भर के भोजपुरिया समाचार। खबरन के अपडेट खातिर जुड़ल रही livecities.in के साथ। नमस्कार।